ब्रजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा के बाहुबली नेता अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिनों पहले ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि विपक्ष खुद को खत्म करना चाहती है, भाजपा नहीं। और एक बार फिर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है ब्रजभूषण सिंह ने। क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश। खबर है गोंडा से, जहां आज एक निजी कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल फ्रॉडिया है। केजरीवाल चाहता है कि ईडी उनको गिरफ्तार कर ले, जबकि ईडी उनको नहीं गिरफ्तार करना चाहती। आप आगे खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्राइवेट वर्दी, प्राइवेट ड्रेस में आप सीटी लेकर के खड़े हो, डंडा लेकर के खड़े हो, कैमरा लेकर के खड़े हो और वसूली करो और रसीद काटो। ये बहुत फराडिया आदमी है, ये दिल्ली का दुर्भाग्य था। और लेकिन फ्रॉड बहुत दिन तक चलता नहीं है, झूठ बड़ी तेजी से चलता है लेकिन उतने जल्दी समाप्त होता है। आप याद करिए अन्ना का आंदोलन, उनका विजन क्या था, उसी आंदोलन से पैदा हुए। आज क्या अन्ना का कोई चित्र भी नहीं लगा होगा इनके घर में। उसके साथ ही सांसद ने राहुल गांधी द्वारा एप्पल फोन से डेटा चोरी कराए जाने का आरोप लगाने पर सांसद ने कहा कि राहुल गांधी बताएं क्या है, उनके पास पहले राफेल पे बोलते थे, अब टेलीफोन पे आ गए। राहुल गांधी का मन स्थिर नहीं है, वो बड़े नेता पर पहले मन स्थिर करें। सांसद ने राहुल गांधी को योगा करने की सलाह दी है। राहुल गांधी द्वारा सतपाल मलिक के इंटरव्यू करने के मामले पर तंज कसते हुए कहा कि सुना है कि अब वो पत्रकार हो गए हैं। बीजेपी सांसद ने सत्यपाल मलिक पर निशाना साधते हुए कहा, उनका मिले भी तो सतपाल मलिक, और कोई मिलेगा भी नहीं सतपाल मलिक को। सांसद ने राहुल गांधी का कॉपी बताते हुए कहा कि सतपाल मलिक कितना पढ़ते हैं, वो तो पहले से ही विवादित नेता है। साथ ही उन्होंने ईडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ये आप खुद ही सुन लीजिए। ये जो गठबंधन बना है ये शुद्ध शुद्ध वंशवादी जो दल हैं उनका अस्तित्व कैसे बचा रहे, उन लोगों ने ये गठबंधन बनाने का प्रयास किया है। और मैं पहले दिन से कायम हूँ अपनी बात पर, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक ये लीडर नहीं घोषित करते, लीडर घोषित कर दें नेतृत्व कौन करेगा। जैसे सन 1977 में 75 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लीडर घोषित किया गया था, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ था और उन्होंने कोई पद भी नहीं लिया था। ये आज तक इनके गठबंधन का नेता कौन होगा, संयोजक कौन होगा, ये आज तक नहीं बना पाए। और कोई एक विचारधारा है नहीं, अन्य विचारधाराएं हैं, अन्य विचारधाराओं के उस पर काम करते हैं। तो मेरा अभी तक मानना है कि ये गठबंधन बनेगा नहीं और बनेगा तो चलेगा नहीं। तो आपने सुना कि किस तरह से नेताजी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गठबंधन बनेगा नहीं और अगर बनेगा तो चलेगा नहीं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।